स्टॉक मार्केट क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। आइए जानते हैं इन्हीं कुछ सवालों के जवाब ग्राफिचिनो के आज के इस एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करें जिससे आप हमारे वीडियोस सबसे पहले देख सकें। स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़े नेटवर्क की तरह काम करता है जो दुनिया भर की मार्केट को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में रखता है। ऐसी मार्केट जहां हर दिन बहुत बड़े स्तर पर पैसों का लेन देन होता है। कुल मिलाकर हर साल 100 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा की ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट में होती है, जिसकी कीमत पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी के सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से भी ज्यादा है। मगर यहाँ की मार्केट में संतरे या फिर सेकेंड हैंड जूतों की ट्रेडिंग नहीं होती, बल्कि यहाँ ट्रेड होती हैं सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज किसी भी एसेट में एक इन्वेस्टमेंट होता है जो कि ज्यादातर शेयर या फिर बॉन्ड के रूप में होता है। एक शेयर का मतलब कंपनी का एक हिस्सा। मगर क्यों कोई भी कंपनी अपना शेयर बेचती है और लोग उसे खरीदते हैं? वेल, सबसे पहले एक शेयर की कीमत ही दर्शाता है एक कंपनी की असली वैल्यू। आसान भाषा में अगर हम एक कंपनी की वैल्यू को एक पिज्जा के साथ कंपेयर करें तो जितना बड़ा एक पिज्जा होगा उतना ही बड़ा उसका एक स्लाइस भी होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर फेसबुक एक नए बिजनेस मॉडल के साथ अपने प्रॉफिट को बढ़ाता है तो इसके साथ साथ उसकी कंपनी की वैल्यू भी बढ़ेगी, जिससे उस कंपनी का शेयर मार्केट में और महंगी कीमत में बिकेगा, जो कि उस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी बात है। एक शेयर जिसकी कीमत मार्केट में 20 रुपए हुआ करती थी वो बढ़कर 50 रुपए हो गई, और जब इस कंपनी का एक शेयर कोई बेचेगा तो ये पूरे 30 रुपए का फायदा उसे देगा। मगर इससे फेसबुक का क्या फायदा? कंपनीज को जो पैसा अपना शेयर मार्केट में बेचकर मिलता है उससे वो अपने बिजनेस को और बढ़ा सकती हैं या फिर उसे इन्वेस्ट भी कर सकती हैं। फेसबुक 50 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा पैसा अपनी कंपनी के स्टॉक्स बेचकर रेस कर चुका है। हालांकि शेयर मार्केट में ट्रेड करना अक्सर एक मौके का खेल होता है, कोई भी ये नहीं बता सकता कि आने वाले टाइम में किस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी और किसकी खराब। अगर किसी कंपनी की मार्केट में रेप्यूटेशन अच्छी है तो इन्वेस्टर्स उसमें पैसा लगाएंगे, और एक कंपनी जिसकी रेप्यूटेशन और परफॉर्मेंस खराब है उसे काफी कठिनाइयां आ सकती हैं अपने शेयर को बेचने में। नॉर्मल मार्केट में जहां हम किसी भी प्रोडक्ट को छू सकते हैं और उसे खरीद कर घर ला सकते हैं, एक स्टॉक मार्केट में सिर्फ वर्चुअल गुड्स अवेलेबल होते हैं जिसे हम सिर्फ अपनी स्क्रीन पर ही देख सकते हैं। ये हमें शेयर प्राइसेस के रूप में देखने को मिलता है जो कि आमतौर पर एक ग्राफ या टेबल के फॉर्म में होता है। ये शेयर प्राइसेस किसी भी सेकंड ऊपर जा सकते हैं या नीचे गिर सकते हैं, इसीलिए शेयर होल्डर्स या इन्वेस्टर्स को हर पल मार्केट की खबर रखनी पड़ती है जिससे वो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। एक छोटी अफवाह भी बड़ी से बड़ी कंपनी का शेयर प्राइस नीचे गिरा सकती है, और बेशक इसका उल्टा भी मुमकिन है। अगर एक बड़ी तादाद में लोग किसी छोटी कंपनी का शेयर खरीद लें क्योंकि उन्हें उस कंपनी का बिजनेस आइडिया और एग्जीक्यूशन पसंद आया तो मार्केट में उसका शेयर प्राइस ऊपर चला जाएगा। इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनीज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के इंडेक्स निफ्टी 50 में लिस्टेड हैं, जहां आप इन कंपनीज की एक समराइज्ड वैल्यू देख सकते हैं, और साथ ही निफ्टी 50 का शेयर इंडेक्स कर्व हमें ये दिखाता है कि ये मेजर कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही हैं, जिससे हमें देश की इकोनॉमी के भी परफॉर्मेंस का पता चलता है। दूसरे देशों के स्टॉक एक्सचेंजेस के भी अपने इंडाइसेस होते हैं, और ये सारी मार्केट साथ में मिलकर एक ग्लोबली नेटवर्क्ड मार्केट प्लेस बनाती हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में हमें ये बताएं कि आप अगला वीडियो कौन से टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले एपिसोड में।